वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने पेंटोस शुगर को अच्छे से समझ लिया था। अभी तक हमने नाइट्रोजन बेस समझ लिया है, हमने यहाँ शुगर समझ लिया है, एक लास्ट कंपोनेंट और आता है फास्फेट, उसकी बातें अब हम समझते हैं। फास्फेट की बात करें तो डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट होता है एग्जैक्टली ये फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। तो फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। उस H3PO4 की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ऐसा होता है जिसमें तीन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर आप देखिए, जिसमें तीन हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, एक फास्फेट और चार ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें तीन हाइड्रोजन, एक फास्फेट और चार ऑक्सीजन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये H3PO4 के फॉर्म में होता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 के फॉर्म में होता है। अच्छा, तो ये फास्फोरिक एसिड है, नाम में लिखा है ये एसिडिक है। क्या नाम में लिखा है कि ये एसिड है, फास्फोरिक एसिड के नाम में क्या लिखा है, ये एसिड है। इसी एसिड की वजह से डीएनए और आरएनए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ध्यान से इसको समझिएगा कि डीएनए और आरएनए जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं। अभी मैंने क्या बताया, फास्फोरिक एसिड की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए और आरएनए दोनों ही कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, वो इस फास्फेट की वजह से होते हैं, ठीक है। इसी फास्फेट की वजह से ड्यू टू फास्फेट बोथ डीएनए एंड आरएनए शो एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या शो कर रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। फास्फेट की वजह से क्या शो कर रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो फास्फेट होते हैं ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। इनका आयनिक फॉर्म में होने का क्या मतलब है, यहाँ अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। और इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आए तो डीएनए और आरएनए पर भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो फास्फेट होते हैं ये कैसे होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। आयनिक फॉर्म क्या है, कैसे बनेगा, जब यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। और जब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो डीएनए और आरएनए पर भी नेट चार्ज निगेटिव होता है। तो डीएनए और आरएनए बोथ हैव निगेटिव चार्ज, क्या सेकेंड पॉइंट कवर हो गया, डीएनए और आरएनए बोथ हैव निगेटिव चार्ज, दोनों ही निगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं। और वो निगेटिव चार्ज इन पर फास्फेट की वजह से आता है। फास्फेट की वजह से दो इम्पॉर्टेंट बात आप अच्छे से याद रखना, पहला फास्फेट क्या है, फास्फेट की वजह से क्या हो रहा है, ये दो बात आप अच्छे से याद रखिए। पहला एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा डीएनए और आरएनए को निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। क्या, पहला एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा डीएनए और आरएनए को निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। एक बार एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, क्या डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, ऑप्शन क्या था, पॉजिटिव निगेटिव बोथ ऑल ऑफ अबव, जो भी, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, निगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए पे क्या चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। अच्छा, डीएनए से बच्चे आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, जब डीएनए की बात आए तो बच्चे क्या करते हैं, आराम से आंसर दे देते हैं। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि आरएनए में कौन सा चार्ज होता है, तब भी वहाँ निगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों सेम ही तो होते हैं, बस कुछ एक डिफरेंस आ रहा है डीएनए और आरएनए में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब फास्फेट दोनों में ही होते हैं तो दोनों निगेटिव चार्ज होंगे, चाहे वो डीएनए और आरएनए हो, लगभग उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो फास्फेट जो है दोनों में ही होते हैं,
चाहे वो डीएनए हो आरएनए, तो इस वजह से आरएनए पे भी निगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब डीएनए और आरएनए दोनों पे निगेटिव चार्ज होगा और वो दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कंपोनेंट समझ लिया? पहला क्या था हमारा बताइए, नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा फास्फेट। तो अभी तक हमने तीनों कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्लास में ये बातें होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।